नमः चारु लता जी, नमो नमः सर्वेषां नमो नमः, नमो नमः सर्वेषां नमो नमः। बहुत बढ़िया। तो अब हम मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको जब दिखेगा तो बताइएगा। और आप लोगों को कल वाली रिकॉर्डिंग मिल चुकी है? नहीं मैंने ग्रुप में डाली है, एक बार रुकिए मैं चेक करता हूँ फिर से। बैच टू वाला जो ग्रुप है, हाँ शनिवार की रिकॉर्डिंग कल की मैंने आधे घंटे लगभग 20-25 मिनट पहले डाली थी। ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगी जब भी आपका अपडेट होगा, और मैं उसकी प्लेलिस्ट भी डालता हूँ वहाँ पे। तो प्लेलिस्ट का मतलब है कि YouTube में जितने भी हमारे जो इस बैच के इस समूह के वीडियोस बनेंगे तो वो लाइन से एक एक तारीख के हिसाब से अपने आप 1, 2, 3, 4 ऐसे जमा हुए मिल जाएंगे आपको उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करने से। तो अलग से ढूंढने की या अलग से अलग अलग लिंक्स को भी उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको समझा ओजस जी? हाँ सर। अच्छा एक सेकेंड, एक शिवानी जी हैं, ये आने चाहिए अभी क्लास में, कहाँ रह गए? ठीक है, शिवानी जी का तो नहीं पता चला, और ये अमीषा जी भी ज्वाइन करने वाली हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम चालू कर देते हैं। जो आए सो आए, जो ना आए वो जो है वीडियोस यूट्यूब में देख के शायद पता लगा लेगा। ग्रुप में वैसे सब लोगों को मैंने जोड़ दिया है, तो अभी वहाँ पे बात कर सकते हैं जिसका जो भी है। तो आप दोनों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, और आप अपना वीडियो भी चला सकते हैं यदि संभव है, या तो हम लोग एक दूसरे के दर्शन भी कर सकते हैं। नमस्कार उदित जी, आप कहाँ पे? नमस्कार, मुंबई। मुंबई में, अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपना परिचय दे दीजिए।
सबको समझ जाएगा थोड़ा सा, सरलता जी को भी और सबको। हाँ हाँ अवश्य अवश्य। अच्छा मैं ना मुझे पुरानी है और मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी अभी 12वीं कक्षा चल रही है और मेरे लिए एग्जाम आएगी ट्वेल्थ की, और मुझे संस्कृत सीखना है क्योंकि मुझे यज्ञ जो मंत्र यज्ञ के मंत्र होते हैं उसके उनके सबके अर्थ जानने हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया। और तो आप यज्ञ और भी करते हैं आपने बताया था ना, बहुत सही। तो अभी कहाँ पे, मतलब मुंबई में आसपास कहीं जरूरत पड़ती है, घर पे ही चलता है काम अभी? घर पे करते हैं। हमारे पास ये देखिए कुंड भी है, दिखे इधर ही है ये कुंड है, मतलब अच्छा, ये घर पे ही रखना होता है रोज शाम को 7 बजे होता हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। है। चलिए तो हम शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण के बारे में हमने कल पिछली कक्षा में बात की थी उसके बारे में, तो यदि आप वीडियो देख चुके हैं या देखेंगे तो आपको वो उसका जो महत्व है वो पता चल जाएगा। तो ओम, छोटे से संक्षेप में ओम का मतलब, बोलने का मतलब है कि वो हमारे शरीर के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उनको वो सही दिशा में संचारित करता है अपने आप। तो आप यदि दिन में 10 बार 50 बार जितनी बार ओम बोलेंगे उतना अच्छा है, और किसी के लिए भी अच्छा है, जो उसको सुन रहा है उसके लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसको बोल रहा है उसके लिए तो सबसे अच्छा है। और आप तो ये सब करते भी हैं तो आपको वैसे भी उसका असर समझ में आता होगा, पर बहुत शक्तिशाली चीज़ है। तो अब हम उच्चारण से चालू करते हैं। आप अभी म्यूट पे हैं तो आप यदि कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अनम्यूट करके बोल लीजिएगा वजह जी। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी इस पेज पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ओम को मैंने विभाजित करके लिखा हुआ है, अ उ और म। तो ये हमारे 3 चक्रों के आसपास से शरीर में जो चक्र होते हैं उसके बारे में भी पिछली कक्षा में हम थोड़ा सी बात कर चुके हैं। तो इन चक्रों से होके ये ऊर्जा जो है ऊपर आती है और वही सही दिशा में संचार है। जब आप बोलते हैं इसको 1 मिनट तक भी, अभी हम कोशिश करेंगे जब, तो अपने आप ही शरीर में ऊर्जा भर जाती है। हर हर किसी को जो भी ये करेगा उसको अपने आप अनुभव होगा। तो अभी हम कोशिश करते हैं, तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और हम अ उ और म तीनों का एक साथ लेकिन लगभग बराबर समय तक। तो यदि आपने अ 2 सेकंड तक बोला है तो उ भी 2 सेकंड तक बोलेंगे और म भी 2 सेकंड तक, तो वो कुछ इस तरह से सुनाई आएगा। तो लगभग 2 2 सेकंड, तीनों अक्षर अ और उ दोनों स्वर भी और म जो व्यंजन है वो भी उसी तरह से। ठीक है, तो मैं बोलना चालू करता हूँ और मैं बोलने के बाद जगह छोड़ूंगा, समय दूंगा, और तब आप लोग अब म्यूट पे भी रह सकते हैं और अनम्यूट करके यहाँ सुनाई भी आए तो भी चलेगा। सुनाई आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हर किसी की आवाज़ सुनाई भी आएगी, तो कंफर्म पक्का हो जाएगा कि आप कर पा रहे हैं आराम से। तो चलिए आंखें बंद और मैं शुरू करता अभी लगभग आधा मिनट हुआ है, आंखें बंद ही रखिए। मैं एक चीज पे ध्यान देने के लिए बोल
बोल रहा हूँ कि जब आप आंखें बंद करके इसको बोलते हैं तो अब आप अनुभव करके देखिए कि वो आवाज जब अ बोलते हैं तो शरीर में कहाँ से आ रही है। ऊ बोलने पे वो अपने आप थोड़ी सी ऊपर यहाँ हृदय हृदय के पास में पहुंच जाती है वो आवाज, और जब हम म कहते हैं तब वो बिल्कुल गले में से निकलती है। तो ये जगह है, अलग अलग जगह है जो नीचे से ऊपर आ रही है, ये आप अनुभव कर पाएंगे। ये असल में होता है, मतलब ये कोई मन से सोची हुई चीज नहीं है। तो एक बार फिर से आंखें बंद कर लीजिए और बचे हुए आधे मिनट इस बार आप ध्यान दे के कीजिए। आप आराम से धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आपको जो उसके मदद से ओम की मदद से ऊर्जा का संचार होता है कुछ कुछ अभी से अनुभव होने लगा होगा, और वो होता ही है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। पर अनुभव जब हम कर पाते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से कहाँ चल रही है अपने शरीर के अंदर, तो वो भी कई बार एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जबकि हम लोग मंत्र और बहुत सारी चीज़ों में ओम का उच्चारण करते हैं, पर वो उच्चारण से हमारे अंदर ऊर्जा कैसे संचारित होती है ये हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर अब जब हमको पता चल गया तो अब जब भी हम बोलेंगे ये आप आँख बंद करके 2 सेकंड ध्यान दे दीजिए तो और मज़ा आएगा। और ध्यान खैर नहीं भी देंगे तो भी वो उसका फ़ायदा तो फिर भी मिल रहा है, पर ये किसी को समझाने के लिए भी आसान है। यदि आप किसी और को भी समझा रहे हैं तो ये उपयोगी है। अब हम जब भी कक्षा के अंदर आते हैं या हम जा रहे होते हैं तो हम हमेशा सर्वेशां नमो नमः कहते हैं। आज आपने कह के देखा होगा, और जब भी आप कक्षा में आएंगे या जाएंगे उसका मतलब सर्वेशां मतलब सबके लिए या सब सबको, तो हम नमो नमः कर रहे हैं सभी को। तो आने के समय या जाने के समय दोनों चलता है, दोनों में उपयोग कर सकते हैं। और जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ या और भी कोई विद्यार्थी कुछ बात कर रहा है या पूछ रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है और आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं, तो हम संस्कृत में कहेंगे आम। तो आम के साथ आप जिससे भी बात चल रही है उसका नाम लगा सकते हैं, जो भी चाहें। जैसे मैं बोल सकता हूँ आम चारुलता जी या आम ओजस जी। जी उत्तमम। उत्तमम। तो कल की अभी हम थोड़ी सी पुनरोक्ति करेंगे, कल का जिसको हम रिवीजन भी कहते हैं, फिर से देख लेते हैं। और ये अभी थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि ये कल हो चुका है। तो हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं, जब भी जितने भी लोग मीटिंग के अंदर हैं तो एक दूसरे से हम प्रश्न करते हैं। तो जैसे मैं जब करूँगा मैं आप में से एक से करूँगा, और जिसको भी मिला वो पहले उसका उत्तर दे और फिर वो दूसरे से वही वही या मिलता जुलता प्रश्न पूछे, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा उससे अभ्यास भी होगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। मम नाम अंशु। मम नाम चारू। एक मिनट, मैं पूछूंगा ना अभी आपसे चारू जी, तब आप प्रश्न तब आप उत्तर भी देंगी और आप जवाब फिर दूसरे से पूछेंगी। तो मम नाम अंशु, भवत्याः नाम किम चारू जी? नाम चारू। और अब आप ओजस जी से पूछिए। किम नाम ओजस जी।
आपको भवता है लगाना पड़ेगा। ठीक नाम ओजस्वी भव भवता भवता ये हाँ नाम ओजस्वी भवता। मम नाम ओजसः। और अब आपके पास जब कोई नहीं बता तो आप भवतः वापस मुझसे पूछिए। भवतः नाम किम्? मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि त्वं चारुजी? चारू जी किम पठसि त्वं? संस्कृत पठसी संस्कृतम पठामी, राइट? क्योंकि आप अच्छा आपने अपने खुद के लिए बोल रहे हैं, तो आपको अहम, पहले तो अहम भी साथ में। हाँ, संस्कृतम पठामी और आप अहम भी साथ में लगा लीजिए तो आपको इसमें कोई। संस्कृतम पठामी। हाँ, अब पूछिए आगे, ओजस जी से पूछिए। वही प्रश्न। किम पठामि ओजस जी? किम पठामि ओजस नमस्कार शिवानी जी, नमस्कार, नमो नमः। तो नमो नमः। अभी हम 5 मिनट पहले चालू कर चुके हैं, तो आप सीधे इसमें शामिल हो सकती हैं। चारू जी, जब आप पूछ रही हैं किम पठामी ओजस जी, तो आप ओजस जी से ये पूछ रही हैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। यदि आपको पूछना है कि ओजस जी क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको किम पठसी पूछना पड़ेगा, क्योंकि पठसी मतलब आप सामने वाले के लिए पूछ रही हैं, लेकिन पठामी तो आपके खुद के लिए है ना? तो यदि किम मैं, पठसि हाँ बोलिए ओजसि किम पठसि शिवानी जी महोदया? अहम संस्कृतम पठामि। ओजस जी, अब आप शिवानी जी से पूछिए। किम पठसि शिवानी जी? क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर अपना किम एडजस्ट पठसि कर शिवानी लीजिए। जी? अभी भी ऑडियो नहीं आ रहा क्या शिवानी जी? नहीं, थोड़ा डिस्टरबेंस है, गाड़ी अच्छा, वगैरह की आवाज। हाँ ठीक है, तो फिर आप अभी म्यूट पे चले जाइए, पर आप प्रैक्टिस साथ में करते रहिए। जैसे ओजस जी ने आपसे पूछा, तो आपको यदि उतना सुनाई आ रहा है तो आप खुद से बोल के देख लीजिए, ठीक है? और इसका वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा शाम तक, क्लास के बाद, तो आप अकेले में या जब आवाज़ थोड़ी आसपास ठीक हो तब फिर उसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है? तो हम खेल जैसा खेल रहे हैं कि हमको एक प्रश्न पता है, उसका हमको उत्तर भी पता है, तो हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं ताकि हम सही तरीके से बोल सकें। जब मुझे अपने लिए बोलना है तो मैं पठामी लिखामी, जो आमी लगा के क्रिया के साथ में हम बोलते हैं, और जब मैं अपने सामने वाले से पूछूंगा, जब भी मुझे आपसे पूछना है या मुझे ओजस जी से पूछना है, तब मैं पठसी लगाऊंगा, क्योंकि पठसी या लिखसी जब भी हम सी उपयोग करेंगे क्रिया के साथ, तो उसका मतलब है कि हम सामने वाले से पूछ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ओजस जी, आपने पूछ तो लिया शिवानी जी से, शिवानी जी की शायद आवाज़ में कुछ मुश्किल है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वो भी चलेगा। किम पठासी अंशु जी? अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम लिखामि, किम लिखसि त्वं ओजस महोदय? अहम संस्कृतम लिखामि। आगे किम लिखसि चारु जी, चारु महोदया?
अहम संस्कृतम लिखामि। और अब वापस मुझसे पूछ लीजिए चारू जी। किम लिखसि अंशुजी महोदय? अहम लिखामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, किम वदसि त्वं चारु महोदया? अहम वदामि संस्कृतम्। आगे पूछ लीजिए। आपको ओजस जी से पूछना है। ओजस जी महोदय, इंग्लिश में आता है, किम वदसि त्वमि तो बोलना है आपको छोटे अभी। लगते हैं आप, बहुत छोटे लगते हैं मेरे पोते जी से। कैसा कौन मैं? बोलना है संस्कृत में? ओजस जी महोदय, संस्कृत बताइए, बहुत भवतः छोटे बालक, लगते हैं। आप ऐसे बोल सकती हैं, भवतः बालकः अस्ति, तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट है जिससे आपको वो बालक जैसे लग रहे हैं। बालक अस्ति मम पुत्र, मम प्रिय तो पुत्र। ओजस जी आपको अपने अच्छा पोते जैसे लग रहे हैं, अरे वाह, प्रिय प्रिय पोते जैसे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे वाह, अच्छी बात है, नानी जैसे लगे। तो चारू जी आप वो प्रश्न पूछेंगी ओजस जी से, किम वदसि त्वम वाला। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो पूछ लीजिए। अजस्ती मम आयु 16 वर्ष। शो दशा सो। हाँ ये सोलह अच्छा है। कहेगा, 16 16 16 16। हाँ तो अभी तक खैर मामा हम पोती 16 साल, क्या बोलते मामा, पोत्री पौत्री 16 साल। आया मामा निरीक्षण स उत्तमम्, मामा निरीक्षण। उत्तमम उत्तमम। अच्छा तो अब हमने ये थोड़ी थोड़ी सी मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत लिख बना रहा हूँ और मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, ये हमने बताना सीख लिया और हमने पूछना भी सीख लिया। हम किसी से पूछ भी सकते हैं कि किम वदसि त्वम, तो आप किसी और भाषा वाले को भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने पूछा किम वदसि त्वम और फिर सामने वाले ने जवाब दिया कि अहम मराठी वदामी, तो मराठी भी एक भाषा है, फिर वो और भी दूसरी चीजें भी बोल सकता है, अहम पंजाबी वदामी और अहम हिंदी वदामी, जो भी भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछना सीख रहे हैं और उसका उत्तर भी देखना सीख रहे हैं। सर हम आएगा या मम आएगा? कहाँ पे? किसी भी वाक्य का उत्तर देते समय अहम या मम यूज करते हैं। देखो अहम का मतलब है मैं, ठीक है, हाँ तो बोलना है मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो आप अहम बोलेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो अहम। लेकिन जब ओके मम होता है तो मम का मतलब होता है मेरा, तो हमने जब अच्छा शुरू में बोला ना मम नाम अंशु या मम नाम ओजस, तो वो हाँ क्या था? मेरा। जैसा, हाँ ओके ओके तो
है अपने ही, पर थोड़ा सा फर्क है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वो धीरे धीरे उपयोग करते करते आपको समझ आदत पड़ जाएगी। में आ जाएगा। उपयोग करते रहिए, मतलब कोई भी मिला उससे बस पूछ लो, उसको बता दो, नहीं तो अहम संस्कृतम पठामि तो हम किम पठस्ति, हाँ तो उसको भी थोड़ा शौक आएगा कि चलो कुछ कोई कुछ बोल रहा है तो चलो हम भी बोल के देखते हैं। वो पूछेगा आपसे कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है ना। शिवानी जी, आपकी आवाज को कुछ सुधार हुआ? ना प्रश्न कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, किसी का नाम पूछने के लिए कैसे प्रश्न किया जाएगा। हाँ, तो नाम यदि आपको पूछना है तो चलिए ओजस जी पूछ के बताइए। भवत्याः भवत्याः नाम किं महोदया। अच्छा, मम नाम शिवानी। हाँ चलिए, अब आप पूछिए शिवानी जी। भवतः नाम किं महोदय। मम नाम ओजसः। बहुत बढ़िया, ये मुंबई की पुलिस है ना। हमारे इधर नहीं है। किसके यहाँ एम्बुलेंस जा रही है। नहीं, वो आप सभी, आप दोनों मुंबई में, ओजस और शिवानी जी दोनों मुंबई में, चारू जी बड़ौदा में है और मैं पुणे में हूँ। तो मेरे यहाँ तो पुलिस नहीं जा रही, तो यहाँ आप दोनों में से किसी की मैं नवी मुंबई में हूँ फिलहाल, इधर पुलिस की कोई ये नहीं है, परेशानी नहीं है। नहीं, मेरे तरफ से भी गई पुलिस की जीप पूरी हाँ चलो बढ़िया, तो आप समझ गए शिवानी जी, नाम पूछना कैसे है और बताना कैसे है। भवत्या इज फॉर आई मीन लड़कियों के लिए है। भवत्या हाँ ये स्त्रीलिंग है। हाँ, हाँ स्त्रीलिंग है भवत्याः। भवत्या ओके। और भवता पुलिंग है। पुल्लिंग है। हाँ ओके। तो भवतः या भवत्याः, तो इसमें ही वो निहित है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, मम मतलब मेरा, तो भवत्याः मतलब आपका, तो ये का वाला हाँ जो विभक्ति है ये इसमें अपने आप हाँ प्रयोग हो ओके। रही, और भवतः में भी आपका। तो और भवतः और भवत्याः जो है ना, दोनों सम्मान के साथ उपयोग होते हैं, तो उसका मतलब है कि यदि आपको मान लीजिए किसी छोटे से या किसी बराबर वाले से पूछना होता तो आप तब नाम भी बोल सकते थे, पर तब जो है थोड़ा इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब किसी, जैसे विदाउट रिस्पेक्ट, जो हम अपने मित्रों के साथ उपयोग कर सकते हैं बिना अलग से कोई सम्मान के बिना। लेकिन हम अभी वो चीजें पहले सीखेंगे जिसमें सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक ही शब्द से आप हर जगह उपयोग कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे बराबर का हो, चाहे बड़ा हो, आप भवतः और भवत्याः किसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सम्मान वैसे भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ये वाली चीजें सीखेंगे जो आसान है, बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको थोड़े और गहरी चीजें कि हम ये भी उपयोग कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं वो धीरे धीरे बताऊंगा। बिल्कुल। ठीक है शिवानी जी, आपको भी समझा ना। हाँ ठीक है, तो चलिए आप, अब आप सर, जी, या हाँ बोलिए। आम सर, सर अगर ऐसा है तो किम नाम भवतः, ऐसा नहीं चलता क्योंकि किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं, हमने अच्छा किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हैं। क्योंकि किम वदसि त्वां पूछा तो किम नाम भवतः भी पूछ सकते हैं, उसके लिए पूछ रहा था बिल्कुल ना। हाँ, संस्कृत सीक्वेंस की भी अच्छा ओके सर। यही तो सुंदरता है संस्कृत की। और हाँ, अभी मैंने पढ़ा था। हाँ कल ही मैं एक उदाहरण भी बता रहा था चारू जी को, यदि शायद आपने रिकॉर्डिंग में सुना हो, कि जब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो लोग अंतरिक्ष में रॉकेट रॉकेट में बैठ के जाते हैं, तो उनसे संदेश आदान प्रदान करने के लिए पृथ्वी से जब संदेश भेजे जाते हैं तो वो या तो लिखे हुए रहते हैं, बोले हुए रहते हैं, लेकिन वो हाँ पहुंचते समय जो है सेम वो
उसी तरह के मैसेज हमेशा नहीं पहुंचते, उसी तरह के संदेश नहीं पहुंचते। हाँ तो जैसे आपने बोला कि आई एम कुछ तो भी, ठीक है, आई एम अ कैट, तो अब जो वहाँ हाँ अंतरिक्ष यात्री के पास जो संदेश पहुंचेगा वो किसी भी क्रम में पहुंच सकता है। सीक्वेंस में तो पहुंचे कैट भी कैट ए आई एम ऐसे पहुंच सकता है। तो अब थोड़े लंबे यदि वाक्य हैं तो उसको समझ पाना उसके लिए संभव होगा ही नहीं, हाँ यदि वो अंग्रेजी या किसी भी और भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन संस्कृत दुनिया की एकमात्र भाषा है संस्कृत जिसमें कोई भी आप क्रम में जमा दीजिए, किम नाम भवतः, भवतः नाम किम, नाम किम भवतः, किसी भी क्रम में बोल दीजिए उसका अर्थ वही है। अर्थ वही होगा बराबर। ठीक है, तो ये बहुत शक्तिशाली ओके चीज सर है धन्यवाद। संस्कृत की। तो इसीलिए अभी शायद आपने सुना होगा कि नासा और भी कई जो अंतरिक्ष वाली कंपनियां हैं संस्कृत उन्होंने यूज करने सोचा है कि के लिए संस्कृत को उपयोग किया उपयोग। जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से हाँ अब शिवानी जी इस बार प्रश्न पूछना चालू करेंगी, और शिवानी जी आप ओजस जी से, फिर ओजस जी चारुलता जी से, और चारु जी मुझसे, यहाँ से आप चालू कर दीजिए। ऊपर आपको दिख रहा है तो मैं एक बार आपको प्रश्न दे देता हूँ और फिर आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो किम अहम संस्कृतम पठामि शिवानी जी, किम पठसि पठसि त्वम किम शिवानी जी। पठसि त्वम। अच्छा आप मुझसे मैंने पूछ पहले रहे हो। आपसे ओके पूछा किम पठसि त्वं शिवानी ओके महोदया। अहम संस्कृतम पठामि। अब आप आगे अहम पूछिए। संस्कृत हाँ किम पठसि ओजस जी। अहम पठामि संस्कृतम्। किम पठसि महोदया चारु जी। संस्कृतम्। फिर से एक बार चारू जी। अहम पठामि संस्कृतम्। हाँ, चलिए अब आगे पूछिए। अंशु महोदय सर्वेषां नाम अर्थ सांस्कृतिक नाम सबके नाम का सांस्कृतिक मीनिंग होता है। मेरे एक जगह इतनी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, फिर से बोलिए चारू जी। हमारे सबके नाम का मीनिंग सांस्कृतिक है। मीनिंग फुल नेम सारते हैं तो सबका मीनिंग है। सबका नाम बहुत सुंदर है और सबका मीनिंग भी बहुत उसका मीनिंग वाला नाम है। चारू अच्छा, तो जी आप अंशु बोल जी सकती शिवानी हैं, जी ओजस जी। हाँ, तो आप कह सकती हैं, अब हम अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पृष्ठ पे लिखते हैं, सर्वेशाम मतलब सभी का, श्याम नाम अर्थ नामाहा एवं अर्थ नामार्थाः शोभनम्। अच्छा सुंदर, शोभनम मतलब अच्छा, सुंदर है, बढ़िया है। सुंदर। आप, ये थोड़ा लंबा है पर आप क्योंकि वही बोलना चाह रही हैं इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लेकिन ये हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। पर आप समझी चारू जी, आप इस तरह से बोल सकती हैं। सर्वेषां नाम एवं अर्थ नाम शोभनम्। अर्थाः शोभनम्।
तो चलिए आप फिर से वही प्रश्न पूछिए मुझसे, क्योंकि शिवानी जी, अच्छा आप शिवानी जी से पूछ लीजिए, अभी आप लोग आपस में भी पूछ सकते हैं। शिवानी जी महोदया, शिवानी नाम शोभनम, त्वं शिवानी नाम शोभनम, शोभते, धन्यवाद, त्वं शिवानी नाम शोभते। धन्यवाद। शुभते। हाँ अभी आपको प्रश्न भी करना है चारुलता जी। शिवानी महोदया, आम आम दर्शनार्थे अहम त्वम दर्शनार्थे दर्शनार्थे आपको देखना है स्क्रीन उत्तमम पे उत्तमम क्या क्या कहा, दर्शन। चारुलता जी बोली कि अहम त्वम दर्शनार्थी, तो मुझे देखिए आप देख पा रही है मुझे चारू जी? हाँ क्या ओहो सुंदरम चंद्रमुखी चंद्रमुखी राउंड राउंड धन्यवाद। फेस है, राउंड राउंड कोई को क्या बोलते हैं, वर्तुलाकार गोलाकार, दर्शन गोला आप गोल बोलने वाली हैं तो गोलाकार। गोलाकार दर्शन धन्यवाद। मम पौत्र मम पौत्री चारू जी मैं बहुत बड़ी हूँ, आपकी पोत्री नहीं आपकी बेटी की उम्र की जरूर होगी। I am 72 years old. मम्मा मम्मा माय फादर इज 70 years old, आई एम 42 years old। मम्मा पुत्री पुत्री मम्मा प्रिया पुत्री मम्मा प्रिया पुत्री। हाँ प्रिय पुत्री उत्तमम उत्तमम। धन्यवाद। मामा चल पुत्र 35 years old एल्डर, देन हाँ 144 एंड देन 138। अंशु जी आम चालू रहता जी। आयु अंशु जी आयु मम आयु नास्ति, तो आयु तो मम आयु नास्ति। अहम चिरायु, क्या व्हाट अहम चिरायु। चिरंजीव चिरायु चिरंजीव चिरायु तो लंबी उम्र होता है ना। चिर मतलब अनंत काल तक, तो चिर को हम हाँ लंबा भी कह सकते हैं और अनंत भी कह सकते हैं, तो चिरंजीव बोलो। धन्यवाद। तो अभी मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, कहाँ गया, तो शिवानी जी आप ही पूछ लीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अहम लिखामि संस्कृतम, किम लिखसि त्वं शिवानी महोदया। महोदय अहम लिखामि संस्कृतम्, चलिए आगे पूछिए। किम लिखसि ओजस महोदय। महोदया अहम लिखामि संस्कृतम्, किम चलो आगे ओजस जी। लिखामि, किम लिखामि संस्कृतम् महोदया चारुलता जी। लिखा लिखसि लिखसि महोदया। अहम लिखसि संस्कृतम्, फिर से एक बार ट्राई, फिर से अहम चालू कर। लिखामि संस्कृतम्, हाँ अहम वदामि संस्कृतम्,
अब प्रश्न पूछ लीजिए शिवानी जी से या ओजस जी से, किसी से भी पूछ लीजिए। शिवानी महोदया, चारुलता जी, हाँ जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए। ये तो बहुत ही मजेदार है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ और शिवानी जी सुकिम वदसि भवति शिवानी महोदया। अहम वदामि संस्कृतम्। किम वदसि ओजस महोदय? अहम वदामि संस्कृतम् महोदया। किम वदसि महोदया? किससे पूछ रहे हैं ओजस जी? नाम बोल दीजिए। चारू जी महोदय, चारू जी। हाँ जी। किम वदसि महोदय? आम संस्कृतम वदसि। एक बार फिर से चारू जी। आम संस्कृतम वदसि। एक बार फिर से चारू जी। अहम संस्कृतम वदसि। वही एक बार और। अहम संस्कृतम वदामि, सॉरी सॉरी, अहम संस्कृतम वदामि। हाँ, अब आपको ध्यान आ गया। तो जब भी अहम है, हम वदामि लिखामि ऐसे उपयोग करेंगे, है ना? तो अब अंशु जी। हाँ बोलिए शिवानी जी। मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ और मैं संस्कृत सीख रही हूँ, जैसे पढ़ रही हूँ तो पठामि है। हाँ तो सीख रही हूँ के लिए भी पठामी है। हाँ, पढ़ने के लिए अभी वो कॉमन है, पर सीखने का मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस्ड शब्द है। पर पढ़ने का मतलब सीखना भी है। अभ्यास? हाँ थोड़ा सा आप वैसे बोल सकते हैं कि अहम संस्कृतस्य अभ्यासम करोमि, तो वो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी आसान चीजें समझा रहा हूँ कि उनकी आपको थोड़ी थोड़ी आदत पड़े। जैसे पठसी पठामी कब किसका उपयोग करना है, अहम कब बोलना है, त्वम कब बोलना है। तो अब मैं एक नई चीज़ बताता हूँ कि आप जब त्वम उपयोग करते हैं ना, तो त्वम का मतलब भी तुम या तू होता है, ठीक है? तो जब हम किसी से पूछ रहे हैं, तो यदि हमको जिस तरह से हम ये नाम पूछने में कर रहे थे ना कि भवतः नाम किम या भवत्याह नाम किम, जिसमें सम्मान के साथ हम पूछ रहे थे, तो उसी तरह यदि आपको तुम जब बोलना है और तब भी सम्मान के साथ बोलना कमन है, तो ये दो शब्द जो मैंने यहाँ लिखे हैं, भवान और भवती। भवान है पुल्लिंग और भवती है स्त्रीलिंग, तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बार हम भवान और भवती के साथ फिर से यही प्रश्नोत्तर कोशिश करते हैं। और अभी ना 5 मिनट के अंदर ये मीटिंग अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी, तो आपको वो लिंक फिर से उपयोग करके वापस कनेक्ट करना होगा एक बार फिर से, ठीक है? तो जब भी डिसकनेक्ट होगी तब आप वापस सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वो मीटिंग की टाइम लिमिट रहती है, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछता हूँ फिर से, एक बार चालू करेंगे। अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि भवान ओजस महोदय? अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि संस्कृतम भवति, किम भवति पठसि संस्कृतम शिवानी महोदय? आप किम भी बोल रहे हैं और संस्कृतम भी, तो जवाब क्या है? चलो फिर से ट्राई। भवति शिवानी महोदय? अहम संस्कृतम पठामि ओजस महोदय।
किम पठासी भवती चारुलता महोदय? अहम पठामि संस्कृतम्। बहुत बढ़िया, अब आप प्रश्न कीजिए। किम पठसि तम? अहम अंशु जी अंशु न किम पठसि तम पठसि ओजस्वी महोदय? अहम संस्कृतम पठामि महोदय। अहम संस्कृतम पठामि महोदय। चलो आगे बढ़ाओ, अगला प्रश्न। किम पठसि भवान महोदय? अहम पठामि संस्कृतम्। अहम लिखामि संस्कृतम्। किम लिखसि भवती शिवानी महोदया? अहम लिखामि संस्कृतम्। किम लिखसि भवती चारुलता महोदया? अहम लिखामि संस्कृतम्। अहम पठामि संस्कृतम्। अहम वदसि संस्कृतम्। वदामि अहम नो सॉरी अहम वदामि संस्कृतम्। अहम पठामि संस्कृतम्। बहुत बढ़िया, एक ही बार में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हमने। तो अब आप पूछ लीजिए किसी भी और से। किम वदसि भवान ओजस महोदय? अहम संस्कृतम वदसि महोदय। एक बार फिर से। अहम संस्कृतम वदामि महोदय। हाँ, और आपको? किम वदामि भवती शिवानी महोदया? अहम वदामि संस्कृतम ओजस महोदय। किम वदसि भवती चारुलता महोदय? अहम वदामि संस्कृतम् शिवानी जी महोदय। बहुत बढ़िया, तो अब ये प्रश्न को थोड़ा सा हम पलट। एक बार कभी कभी याद दिला दिया कीजिए, क्योंकि जब वापस मीटिंग कनेक्ट होती है ना या शुरू होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है हम रिकॉर्डिंग चालू करने में एक दो मिनट बाद में कर पाते हैं, तो फिर कुछ कुछ रिकॉर्ड होना छूट जाता है। तो मैं वही प्रश्न फिर से बोलता हूँ। आनंदम भवती वा शिवानी महोदया? बहुत बहुत खुशी हुई को क्या बोलेंगे? अति अति आनंदम। अति आनंदम। अति आनंदम। और आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि आपने ये शब्द सुनो है होंगे, पुत्रवान और पुत्रवती भव, ऐसे बोलते हैं ना, पुत्रवान भव पुत्रवती भव। लड़कों को भी कहते हैं, लड़कियों को भी कहते हैं पुत्रवती या पुत्र पुत्रवान भव। पुत्रवान किसी लड़के के लिए आप बोल रहे हैं, पुल्लिंग है, और पुत्रवती जो है स्त्रीलिंग है। तो भव मतलब हो, ऐसा हो, जैसे आयुष्मान भव बोलते हैं। आयुष्मान भव। हाँ, आयुष्मान भव, पुत्रवान पुत्रवती। तो वही वान जो है ना, ये आप हम लोग यहाँ पे भवान और भवती में, वही हम जब त्वम की जगह भवान या भवती बनाते हैं, तो ये वही है। तो आप रिलेशन महोदय। हाँ बोलिए। ओजस नाम के बाद अह लगाना आवश्यक है, मतलब ओजस ओजस अह ऐसा? आवश्यक नहीं है, पर संस्कृत में जब भी हम धीरे धीरे उपयोग करना चालू कर देते हैं, तो
किसी किसी नाम में लगेगा, जैसे जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अब अकारांत का मतलब है जो अ के आवाज पे खत्म होते हैं, ऐसे शब्द। तो जैसे ओजस, ऐसा हाँ, तो जैसे ओजस जो है, ओजस, तो स जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है। जो अ मतलब एक स जो है वो, मान लो मेरा नाम ऊ है, अंशु है ना, तो मेरा नाम हाँ उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो अच्छा, इकारांत ऐसा होगा, ई जिसका जैसे नाम होगा, शिवानी जी का ई, नाम इकारांत हाँ, शब्द तो होगा। शिवानी जी का इकारांत है, चारुलता जी का आकारांत है, ठीक है, उनके में आ पे हाँ खत्म होता है। एक और चारुलता जी का आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो चारुलता जी अच्छा, का सिर्फ चारुलता ही कहलाएगा, जैसे हाँ, जैसे जो 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 अ से अंत होता है बेसिकली, वो उसके साथ ओजस ऐसे। वैसे लगा सकते हैं, जैसे राम है, हाँ कृष्ण है, ये अच्छा राम कृष्ण ओके सब में आप लगा सकते हैं, पर आप शिवानी जी में नहीं लगा सकते क्योंकि उसका अर्थ तो बदल जाएगा। तो जो विसर्ग हम लगाते हैं, जो वो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आप नामों में लगा सकते हैं। ओके एक सेकेंड रुकिएगा, मेरी माता जी आवाज दे रही हैं। क्षम्यताम। तो अब आपको मैं एक और नई चीज बता रहा हूँ। क्षम्यताम मतलब क्षमा कीजिए, हाँ जो मैं एक सेकंड के लिए इधर उधर गया था, ये मैं यहाँ पे लिख भी अरे देता हूँ। तो मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा, वो और वो हर कक्षा में होगा, जो आप कहीं पे भी, और वो बहुत आम तौर पे उपयोग होती हैं। जैसे आपने कहीं कुछ किसी से थोड़ी, कहीं किसी को धक्का लग गया, कुछ हो गया, और आप बोलना चाहते हैं माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, तो संस्कृत में क्षम्यताम, सॉरी 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 जैसा है, पर हम अंग्रेजी का हाँ उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते कक्षा में, तो इसलिए क्षम्यता क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, है ना। और ये बहुत आराम से आप हर जगह कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जैसे जैसे आप उपयोग करते हैं। कोई पूछेगा क्षम्यता तो महोदय ना, अगर बोलना है तो हाँ, आप महोदय या महोदया या सर्वेशाम क्षम्यताम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी लोग मुझे क्षमा करें। अच्छा आगे पीछे आप लगा सकते हैं जो भी उपयोगी शब्द हो उसके साथ, ठीक है। तो अभी इनकी थोड़ा सा अभ्यास हो गया है हमारा, किम किम लिखसी, किम पठसी, किम वदसी और अहम वदामि अहम लिखामि, इनका थोड़ा थोड़ा आपका अभ्यास हो गया सभी का। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ध्यान रखने वाली चीज है कि त्वम की जगह हम भवान या भवती ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं, तो उससे सम्मान सम्मान पूर्वक आप पूछ रहे हैं या बता रहे बताए हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा पलटूंगा। तो पलटूंगा का क्या मतलब है, जो अभी थोड़ी देर पहले शायद आपने गलती से बोल दिया था आप में से किसी ने, पर वो भी एक प्रश्न हो सकता है। तो अब मैं आपसे, मैं ओजस जी से पूछता हूँ, और बाकी लोग समझ के देखिए कि मैं पूछ क्या रहा अवश्य हूँ। तो पहले मैंने पूछा था किम पठसि भवान, मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ किम पठामि भवान, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ओजस जी, आप क्या पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ किम पठामि मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ ओजस जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ।
भवतः पठसि संस्कृतं महोदय। हाँ तो अब भवतः आप तब लगाएंगे जब वो आपका हो, ठीक है, राइट। तो अब हाँ आप तो बोलना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो भवान, आप सीधे भवान कह सकते हैं। अच्छा भवान पठसि संस्कृतं महोदय। हाँ तो यदि आपसे किसी और ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ बताओ, तो तब आप, तो ये वाला प्रश्न था जो मैंने अभी पूछा, किम पठामि भवान, तो आपने सही उत्तर दिया कि भवान पठसि। और कक्षा में आप लोग, आशा है कि कोई ना कोई कागज पेन पेंसिल कुछ साथ में लेके बैठे हैं, क्योंकि हम मैं लिख ही रहा हूँ सब कुछ, तो मैं पिक भेजू, मतलब ग्रुप पे चाहिए तो, मैंने बहुत भेज लिखा भी है। ठीक सकते हैं बिल्कुल। आप जब क्लास कक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं। लिखा है, मतलब नोटबुक में मैंने, तो मैं भेजता हूँ। हाँ, और वैसे तो वीडियो आपके पास आ ही जाएगा, तो पर आपने जो खुद का नोट बनाया है तो आप आराम से भेज सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी वो काम आ जाएगा, हाँ तो अच्छा रहेगा, वो कोई परेशान नहीं उसमें, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का अर्थ आप समझे। चलिए तो अब आप एक बार शिवानी जी से पूछिए। अच्छा, इससे मिलता किम जुलता कोई भी पठामि प्रश्न शिवानी महोदया। भवान पठासि संस्कृतम। बोला तो सही है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पठामी में आ की मात्रा दिखती है जब आप अहम के साथ बोलते हैं, लेकिन जब पठसि बोल रहे हैं तो हम बिना आ की मात्रा के साथ, है ना। भवान पठसि संस्कृतम्। पठामि चारुलता महोदया। पठामि संस्कृतम्, लिखामि संस्कृतम्, हम वदामि संस्कृतम्। पर आपको फिर से सुनना पड़ेगा चालू लता जी, एक बार फिर से पूछिए शिवानी जी। किम पठामि चारुलता महोदय महोदया। अहम लिखामि संस्कृतम्, हम पठामि संस्कृतम्। चारुलता जी, शिवानी जी पूछ रही हैं किम पठामी, तो वो पूछ रही हैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अब इस बार आपको वो क्या पढ़ रही हैं आपको ये बताना है। हाँ तम पठसि संस्कृतम्, तम हाँ वदसि संस्कृतम्। उत्तमम उत्तमम उत्तमम, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार और शिवानी जी कोशिश कीजिए इस बार। ओजस जी ठीक है, मैं ही पूछता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ आपसे, फिर आप ओजस जी से पूछिएगा, फिर ओजस जी चालू जी से पूछेंगे। किम वदामि भवान ओजस महोदय। भवान पठसि संस्कृतं महोदय। किं वदामि, भवान वदामि संस्कृतं, वदसि संस्कृतं महोदय। आम आम उत्तमम। किं वदामि महोदया शिवानी चारुजी। अहं वदामि संस्कृतम्, ओजस् महोदय। हाँ किम पठामि वदामी पूछा है संस्कृतम, उन्होंने, ओजस् महोदय। क्या किम वदामी पूछा है उन्होंने चारू जी, मतलब वो क्या पढ़ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं। तम पठसि संस्कृतम किम वदामी, ओजस् जी। हाँ तो त्वम वदसि संस्कृतम आप बोलेंगे ना, क्योंकि वदामी हाँ पूछ रहे हैं वो।
अब आप शिवानी जी से पूछिए। ये प्रश्न रूप में भी हो सकता है ना कि भवती वदामी संस्कृतम, ये प्रश्न रूप में भी हो सकता है, नहीं? हाँ तो आप पूछना क्या चाहती हैं भवती, मतलब क्या मैं संस्कृत बोल रही हूँ, आप ये पूछना चाहती हैं? मतलब ये एक तो हम लोग इसको उलट के कर रहे हैं, तो इस तरीके का प्रश्न कोई पूछेगा नहीं। मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है क्या? हाँ तो आप प्रश्न बोलिए फिर हम समझ के देखते हैं। पीछे वाले पृष्ठ पे जाइए। हाँ, हाँ त्वम त्वम हम सरल तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं ना, त्वम वदामि संस्कृतम, ये मैं आपसे पूछूंगी ऐसे, क्या आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, हाँ उसको ठीक कैसे है, पूछेंगे? परफेक्ट, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। तो एक हम उसको नए पेज पे लिखते हैं कि आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मतलब आपको पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप कंफर्म करना चाहती हैं कि वही पढ़ रहे हाँ हाँ हैं, है ना? हाँ तो क्या आप संस्कृत पढ़ रहे हैं? तो अभी मैं पूरा नहीं लिखता हूँ क्योंकि हम पूरा संस्कृत में लिखते हैं असल में। तो आप सीधे बोल सकती हैं भवान या भवती, डिपेंड लड़का या लड़की के हिसाब से, भवान संस्कृतम अठासी। पठसी, क्योंकि ये सामने वाले से आप बात कर रहे हैं ना तो हाँ सी तो लगेगा, और हाँ इसको हाँ 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 प्रश्नात्मक बनाने के लिए आखिरी में हम बोलेंगे वाह। अच्छा, किम नहीं आएगा सर और किम भी लगा सकते नॉलेज? हैं, हाँ किम भी लगा सकते हैं और वाह भी लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। तो भवान संस्कृतम पठसि किम, तो क्या आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप सीधे ऐसे पूछ सकते हैं। वाह थोड़ा ज्यादा यूनिवर्सल है क्योंकि वाह जैसे सिर्फ क्या पूछना है तो तब तो किम लग जाएगा, पर और भी कई प्रश्नात्मक वाक्यों में वाह यदि अंत में लगा दिया तो वो अपने आप प्रश्न बन जाता है, अच्छा, तो वाह लगाना थोड़ा और आसान है। पर हाँ आप किम भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी आपको आसानी हो शुरुआत में वही उपयोग कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं तो फिर एक ही चीज, एक ही प्रश्न या एक ही वाक्य के अलग अलग तरीके भी हमको समझ में आते हैं बाद में। भाई इसको इस तरीके से महोदय भी तो इसका नहीं, उत्तर, हाँ वो बोलिए, जस्ट आप पूछे फिर मैं बोलती हूँ। नहीं आप पूछ लीजिए। अच्छा, इसको इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं हम लोग, किम संस्कृतम, क्या आप संस्कृत पढ़ रहे को किम संस्कृतम पठसि भवति या भवान, ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं हम लोग। किम संस्कृतम पठसी, मतलब आप किम शुरू में बोलना चाह रही है वैसा? मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्रमांक क्रमांक, मुमकिन है क्या, ऐसे क्रम में पूछना हो सकता है क्या? हाँ किम के साथ हो सकता है पर वा जो है वो हमेशा अंत में आता है, वाह के साथ नहीं हो सकता, बट किम किम के साथ हो सकता है। तो आप जैसे हम पहले वाले प्रश्नों में जब पूछ रहे थे किम लिखेसी भवान, तो तब आप भवान किम के लिखेसी या लिखेसी किम भवान, वो किसी भी किसी भी क्रम में आप बोल सकते थे उसको। सिर्फ ठीक वा के साथ थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है, वा को हम अंत में ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए आज इसका का, उत्तर, हाँ बोलिए सी। इसका उत्तर भगवान भगवान पटेल से ऐसा आएगा ना, इसका उत्तर क्या आएगा इस प्रश्न का? पटेल तो भगवान आप सीधे संस्कृतम, ऐसा आम पूछ सक आम बोल सकते हैं, आम संस्कृतम पठामि, ओके। अकेला आम भी बोल सकते हैं और आम संस्कृतम पठामि। ओके, ठीक है तो अब 5:10 धन्यवाद। होने वाले हैं,
अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अगले 2 मिनट हम उसके लिए ले लेते हैं और फिर हम रोक देंगे। और एक और चीज़ है कि हम ये वाली एक समूह जो है, जैसे कलोजस जिससे भी बात हुई थी, और 2 और लोग हैं जो हर दिन भी एक कक्षा चालू होने वाली है, तो हर दिन मतलब हम विषम दिनांकों में करेंगे। तो विषम समझते हैं आप? ऑड है ना, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट, अलग एक अलग। तीन पाँच सात इन दिनांकों को, अच्छा, ऑड नंबर्स। ठीक है, तो कल जैसे 19 तारीख है, कल 19 अक्टूबर है, तो कल रहेगी, फिर अगली 21 को रहेगी, फिर अगली 23 को रहेगी, इस तरह से रहेगा। लेकिन शनिवार रविवार छोड़ के, क्योंकि शनिवार रविवार को जो अभी हम जिस तरह से कर रहे हैं ये ही रहेगा। ठीक है, तो यदि उस कक्षा में आप आना चाहते हैं तो उसकी भी विवरण मैं भेज दूंगा ग्रुप में। मेरे मेरे ख्याल से आपसे तो कल मेरी बात हुई थी, तो आप तो आना चाहते हैं, बाकी लोग कब कैसा समय निकाल सकते हैं वो तो उनके ऊपर है। सर समय क्या रहेगा इस कक्षा का, शाम को या दोपहर को? हाँ, ये विषम दिनांकों वाली जो है ये शाम को, हाँ बरोबर, हमने बोला था कल, हाँ याद है। और ये आरंभ कब से होगी? अच्छा, कल से, काल करे जो आज कर, तो हाँ शुरू हो रही है तो ये हो जाएगी कल से शुरू। और यदि और कोई समस्या है तो ये शनिवार और रविवार वाली में तो आप आएंगे ही, मतलब आ ही सकते हैं। और आप वैसे किसी भी कक्षाओं में आ सकते हैं, जिसको जब मन है वो आप समूह एक में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ अलग अलग इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि उनमें थोड़ी एडवांस चीज़ें चालू हो चुकी हैं, थोड़ी आगे की चीज़ें चल रही हैं, तो यदि अचानक से हम उस आप उसमें पहुंच जाएंगे तो फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि कुछ और पढ़ना ज़रूरी है पहले उसके। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और यदि आपको वो लिंक मिली हुई है, एक फी स्ट्रक्चर वाली है, तो आज मुझे किसी ने पूछा था, तो फिर मैं उसको ग्रुप में भी भेज दूंगा, यदि किसी को भी देखना है तो, या किसी और को दिखाना है तो वो ग्रुप में मैं वैसे भी डाल दूंगा। तो फिर ठीक है, उत्तमम, सर्वेशां नमो नमः, शुभ रात्रि। महोदय महोदय, सर्वेशम नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः चारुलता जी। सर्वेशम नमो नमः।